अगर आपके पास में भी एयरफोन या फिर हेडफोन है तो कृपया इस वीडियो को एयरफोन या फिर हेडफोन लगाकर जरूर सुने, ताकि मैं जो कुछ भी आप लोगों को इस कहानी के द्वारा बताना चाहता हूँ वो आप लोगों तक जरूर पहुँचे। चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। नई नवेली दुल्हन बनी रेशु हर लड़की की तरह ढेर सारे सुंदर सपने संजोए अपने पति राम के साथ विश्वास की डोरी बांधे ससुराल चली आई। साधारण परिवार उससे ताल्लुक रखने वाली रेशु बहुत गुणी थी। मायके में उसे देखकर सभी बोला करते थे कि जिस घर जाएगी वो बहुत खुशकिस्मत होगा। सारी रस्मों रिवाजों के बीच सब सही से हो गया। रेशु राम की ही पसंद थी, इसलिए दहेज नहीं देना पड़ा था। रेशु के परिवार की स्थिति राम समझते थे। ससुराल पहुंचकर ढेर सारे रिश्तेदारों से गिरी रेशु थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, लेकिन राम की ओर देखते हुए तसल्ली हो जाती थी। साधारण नैन नक्श वाली रेशु को लगता था कि वो किस्मत वाली है जो दहेज विरोधी परिवार मिला है, लेकिन उसका ये भ्रम उस दिन टूट गया जब सारे रिश्तेदार उसकी सास से पूछने लगे और मिसेज शर्मा बहू अपने मायके से क्या लाई है। अरे क्या लाई है, आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं, बहू से ही पूछ लीजिए ना, मैंने तो सोचा राम की पसंद है, बस उसे ही संभाल ले, सास ने मुंह बनाते हुए बोला। अपने आंसुओं को दबाते हुए रेशु मुस्कुराती रही। पूरे समय ससुराल में जो आता वो दहेज की था जरूर लेता। कई लोग तो दहेज रहित शादी की बात जानते हुए भी बार बार पूछ रहे थे। सास भी रटी रटाई हर बार बोलती रही। रेशु वो दिन याद करने लगी जब सब लोग उसके घरों से देखने आए थे। दहेज के बारे में पूछने पर सब बोले थे, हमें तो घर संभालने वाली बहू चाहिए। आज सब दहेज को ही बात लेकर बैठे हैं। खैर, नए रिश्तों की जड़ में ढेर सारा प्यार भरा पानी डालूंगी तो सबके दिलों को जीत लूंगी, ऐसा सोच वो आशा से भर उठी। दिन बीतने लगे। रेशु सबकी जी जान से सेवा करती रही। ससुर पैरालाइज्ड थे। पूरे घर में एक ससुर ही थे जिनकी आंखों में उसे अपने लिए बाप जैसा प्यार नजर आता था, लेकिन वो मजबूर थे, खुद ही सबके सहारे थे। कितना भी दिल जीतने की कोशिश रेशु ने की थी, लेकिन उसे वो सम्मान नहीं मिला जिसकी वो हकदार थी। ऊपर से दहेज न लाने के ताने तो सुनना ही उसकी दिनचर्या में शुमार हो गया था। एक आध बार उसने पति से कहने की कोशिश की तो उसके पति ने माँ की बात को सुन लेने की हिदायत दे दी, ये बोलते हुए कि हमने तो दहेज नहीं मांगा था, यही कहा था कि जो देना है अपनी बेटी को देना। क्या पता था कि अपनी बेटी को देने के लिए कुछ नहीं है। आज राम की बात ने उसके सीने पे वज्रपात किया था। चीखना चाह रही थी वो, यूं घुमा फिरा कर कहने की जरूरत थी, साफ साफ दहेज मांग लेते, कर्ज लेकर माँ बाप मुंह भर देते तुम्हारा, तब तो दहेज विरोधी बने फिरते थे, लेकिन वो चुप रही। उसे लग रहा था कि आज राम अपनी माँ की जुबान ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये बात उनकी माँ ही अक्सर बोलती थी। फिर भी अपने आत्मसम्मान पे अपने ही जीवन साथी से चोट खाई रेशु अपना सामान पैक कर घर से निकलने वाली थी कि उसके नज़र घर के कोने में बीमार पड़े अपने ससुर पर पड़ी, जो उसके जाने की बात सुनकर रो पड़ी थी। न जाने क्यों उसका दिल भर आया और बरबस ही उसके कदम ठहर गए। उसने अपने जाने का निर्णय बदल दिया। फिर वो मायके जाकर क्या बोलती। उस दिन से रेशु भाव शून्य हो घर के काम काज और ससुर की सेवा में जी जान से जुट गई। वक्त अपनी रफ्तार से चलता रहा। रेशु की सेवा के असर से ससुर की सेहत में बहुत सुधार होने लगा। अब रेशु से वो बहुत कुछ बात कर लेते थे। इन सब के बीच 2 साल कब गुजर गए पता ही नहीं चला और रेशु एक प्यारे से बच्चे की माँ बन गई। फिर भी सास और रिश्तेदार के ताने अब भी सुनने को मिल ही जाते। आज रेशु के बेटे का नामकरण था। कुछ खास रिश्तेदार आए हुए थे। काम की आपाधापी में उससे ही घी की कटोरी हाथ से छूट गई। तभी सास गुस्से में बोल पड़ी, दहेज में ना लेकर आई हो जो ऐसे नुकसान कर रही हो। लेकिन आज रेशु की आंख में आंसू नहीं थे, उसे तो आदत हो चुकी थी। लेकिन आज उसके ससुर बोल पड़े, बस राम की माँ बहुत हो गया, अब एक भी शब्द बहू के खिलाफ नहीं, दहेज दहेज दहेज, इस दहेज की वजह से तुम इतनी अंधी हो गई हो कि तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि तुम्हारा बिस्तर पकड़ा पति आज काफी हद तक सही हो चुका है, उसकी निस्वार्थ सेवा नहीं दिखी तुम्हें,
इतना कौन सहन करती है, आज की बहुएं बहुत पूछती हो ना कि बहू दहेज में क्या लाई हो, तो सुनो वो दहेज में संस्कार लेकर आई है, वो संस्कार जिसकी बदौलत वो इतने अपमान के बाद घर छोड़कर नहीं गई, वो संस्कार जो पति के रूखे व्यवहार को भी भुलाकर परिवार को जोड़े रखने की सीख देता रहा। कभी माँ बनकर पूछा भी होता, बहू दुखी मत हो, मैं समझती हूँ कि तुम मायके क्या जय छोड़ के आई हो, तुम अपनी कहो तुम दहेज में क्या लाई थी। अपने पति के इस रूप को देख रेसु की सास बौचक की रह गई। ससुर कुछ और बोलते इससे पहले रेसु ने उनके पैर पकड़ लिए और कुछ भी ना बोलने की मिन्नत करने लगी। आज उसकी आंख से झरझर आंसू बहने लगे थे। अपने पिता की बातें सुन आज राम की आंखों पर पड़ा पर्दा उतर गया था। मुझे माफ कर दो रेसु, माँ की बातों में आज इतने टाइम तक तुमसे सही से व्यवहार न करने की मेरी गलती को माफ कर दोगी क्या तुम, राम बोल पड़ा। शायद आज सास के साथ साथ उन सबकी नजरें भी झुकी हुई थी जो पूछते फिरते थे कि बहू क्या लेकर आई हो। आज जैसे रेसु की तपस्या का फल मिला था उसे। सो आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और इस वीडियो को, इस कहानी को सभी व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करना ना भूलें, और आप लोग का क्या कहना है इस कहानी पर वो भी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो बगल में घंटी है उसको टच करने के बाद में ऑल नोटिफिकेशन को टच कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।